कोर ग्रुप फॉर टिबेटियन कॉज द्वारा भारत तिब्बत के संबंध पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर चीन की गलत नीतियों का विरोध किया गया। साथ ही कम्युनिस्ट चीनी सरकार पहले तिब्बत को अपने चंगुल से मुक्त करने की भी मांग की। इस दौरान कोर ग्रुप फॉर टिबेटियन कॉज द्वारा की गई है। चीन द्वारा की गई इन सभी नापाक घटनाओं ने चीनी शासन की बुरी मानसिकता के खिलाफ भारतीय जनता में मजबूत भावना पैदा की है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तिब्बत और भारत की पूर्वोत्तर सीमा के पास गलत भावना से चलाई जा रही अवैध विस्तार की गतिविधियों के विरोध में भारत में तिब्बत समर्थक समूह द्वारा विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में जोधपुर, कुशीनगर, मेरठ और गुवाहाटी में कम्युनिस्ट चीनी सरकार के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए। चीनी कम्युनिस्ट सरकार भारत के विश्वास पर हमले और नैतिक और राजनीतिक मूल्यों की अनदेखी के विरोध में तिब्बत समर्थक समूह 20 अक्टूबर 2021 को चीन भारत युद्ध की 58वीं वर्षगांठ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है कि भारत की संप्रभुता, भारत की सीमा, भारत की संस्कृति, उसके विषय में मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हालात आज से 60 साल पहले तिब्बती लोगों के साथ जो हुआ, जो भारत का पड़ोस था, भारत का नेबर था, यही हाल आज चीन के कम्युनिस्ट सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि चीन जिस तरह से बर्बरता के अनुसार, उनके विस्तारवादी नीति के अनुसार, जो उन्होंने सन 1962 में भारत के साथ जो खिलवाड़ किया, पंचशील संधि को लेकर चीन ने जिस तरह से खिलवाड़ किया, और उसके बाद हाल के दिनों में 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और अगस्त में पेंगोंग, ये जो चीन का जो एक मानसिकता जो रहा है, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि वो पूरे विश्व में अपने अधिकार को जमाना चाहता है। भारत में निर्वासित तिब्बतियों को रहते 6 दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी चीन ने तिब्बतियों की आवाज और तिब्बत में स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए उनकी बार बार की अपीलों पर ध्यान नहीं दिया है। इसके बजाय उसने तिब्बत के अंदर रह रहे तिब्बतियों पर कठोर सख्ती और बर्बर नियंत्रण कायम रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया भारत तिब्बत सीमा के पास निगंची की अवैध यात्रा यह दिखाने और संकेत देने के लिए थी कि अरुणाचल प्रदेश चीन का एक हिस्सा है। हम इस कदम का कड़ा विरोध और निंदा करते हैं। कम्युनिस्ट चीनी सरकार पहले तिब्बत को अपने चंगुल से मुक्त करे, तभी भारत और चीन के बीच कोई बातचीत हो सकती है, अन्यथा बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।